शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साई पूजा के खिलाफ आवाज बुलंद की तो साई भक्तों के विरोध के सुर उससे भी ज्यादा बुलंद हो गए। शंकराचार्य अपना पुतला जलाए जाने से इस कदर नाराज हुए कि साई भक्तों को नरक भोगने की चेतावनी दे दी। इलाहाबाद और हरिद्वार के कुछ साधु संतों ने शंकराचार्य के समर्थन में नागा साधुओं को उतारने की भी धमकी दे दी। उधर साई के भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ थाना कचहरी का दरवाजा खटखटाना भी तेज कर दिया। फिर भी शंकराचार्य अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि साई पूजा से सदगति नहीं मिल सकती। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या साई के खिलाफ शंकराचार्य सीधी लड़ाई पर उतर आए हैं। सबका मालिक एक है। मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हमें क्यों माने। हमारे देश में कई ऐसे पाखंडी आए और चले गए लेकिन ये हमारी अवरेंद्र धारा बहती रहेगी। शेर जी के साईं बाबा की जो पूजा कर रहे हैं उनको सदगति नहीं मिलने वाली है। शिरडी वाले साईं के भक्तों के निशाने पर आए द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अब साधु संतों के साथ नागा साधुओं को मोर्चे पर तैनात करने की तैयारी में है। शंकराचार्य ने साईं की पूजा बंद करवाने को धर्म युद्ध करार दे दिया है और उनके समर्थन में मोर्चा संभाले कई अखाड़ों के साधु संतों ने साईं भक्तों को करारा जवाब देने के लिए नागा साधुओं से आगे आने की अपील तक का डाली है। नागा साधु जो है वो भी आपके साथ वो इसलिए आ गए कि आपने शंकराचार्य का पत्ता जलाया। शंकराचार्य का ये स्वरूपानंद की बात नहीं है, ये शंकराचार्य की बात है जो एक अरब हिंदुओं का गुरु होता है। आप उससे कहते हैं तो माफ मांगो, आप उसका पत्ता जला रहे हैं तो कोई भी हिंदू कैसे सहेगा। उधर साईं के खिलाफ शंकराचार्य की मुहिम से क्रोधित साईं भक्तों ने भी एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं। आगरा में साईं के खिलाफ शंकराचार्य की मुहिम से क्रोधित साईं भक्तों ने भी एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं। आगरा में साईं भक्तों ने कैंडल मार्च निकालकर शंकराचार्य स्वरूपानंद का विरोध किया तो शिरडी में साईं भक्तों ने अब बयानबाजी की बजाय भक्ति की शक्ति दिखाने का फैसला किया है। वहीं जयपुर में एक साईं भक्त की शिकायत पर शंकराचार्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने की पुलिसिया जांच शुरू हो गई है। अशोक कुमार शर्मा जी है जिन्होंने एक इस्तगासे के थ्रू वाद दायर किया है जिसमें जांच के आदेश हुए हैं 202 सीआरपीसी में। अभी उसकी जांच होने पे तथ्य की जानकारी हो पाएगी। स्वामी सरस्वती जी के खिलाफ है जो मीडिया में आया उसके बारे में है। लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती किसी भी कीमत पर साईं की पूजा बंद कराने की जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि साईं की पूजा से किसी भी हिंदू का जीवन सफल नहीं होगा, साईं की पूजा का उल्टा ही फल मिलेगा। शिरडी के साईं बाबा की जो पूजा कर रहे हैं उनको सदगति नहीं मिलने वाली है क्योंकि अंतकाल में जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी ही गति होती है। पूजा की प्रक्रिया में जब कहीं मनमानापन आ जाता है, शास्त्र की विधि का पालन नहीं होता है तो विरुद्ध फल मिलता है या तो अफल हो जाता है। साईं और शंकराचार्य का विवाद कहीं हिंदू समाज के बीच कड़वाहट न घोलती ये खतरा बढ़ता देख कई साधु संत अब सुलह की कोशिशों में जुट गए हैं। अखिल भारतीय संत समिति के प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि वो शंकराचार्य से मिलकर बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि बेवजह का विवाद सनातन धर्म के हित में नहीं है। मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूं कि वो अब विराटता दर्शाएं और अपने विचार को जो उन्होंने देश को दे दिया है, दुनिया को दे दिया है, उस पर लोगों के ऊपर छोड़ दें कि वो जैसा चाहें वैसा फैसला लें। पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज, कल मैंने कहा भी था कि हिंदू समाज को बांटे नहीं, उनको आज साईं बाबा से इतना विरोध है क्यों ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन
बड़ा सवाल यही है कि क्या शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती साईं विवाद पर अपने कदम पीछे खींचेंगे। शंकराचार्य और उनके समर्थक साधु संत तो लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि वो साईं की मूर्ति को हिंदू मंदिरों से हटवा कर रहेंगे। किसी भी हिंदू धर्म स्थान एवं मंदिर परिसर में साईं की प्रतिमा नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे नई पीढ़ी को अपनी महान धार्मिक एवं आध्यात्मिक विरासत को अपनाने में कठिनाई होगी और वास्तविक भगवान तथा देवी देवताओं की महत्ता और गरिमा पर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। सवाल ये भी है कि हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्ति हटवाने के लिए शंकराचार्य और उनके समर्थक साधु संत क्या करेंगे? क्या ये उचित होगा, क्योंकि साईं की मूर्तियां हिंदू मंदिरों में किसी दबाव के चलते स्थापित नहीं की गई। ये मूर्तियां तो इसलिए स्थापित की गई क्योंकि साईं में लोगों की आस्था है। वाराणसी में संतोष ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के पक्ष में कई सारे साधु संत आ गए हैं। उन्होंने नागा साधुओं से कहा है कि अगर स्वरूपानंद जी का विरोध बंद नहीं होता है तो जो सनातन धर्म के मंदिर हैं वहां से साईं की मूर्ति को वो तोड़ दे। काफी हिंसक और उत्तेजना पैदा करने वाली बात कही है। इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस, लेकिन आज का कोट क्या है स्वरूपानंद जी का वो मैं आपको बता देता हूं और उनको कोट करता हूं। यहां पर उन्होंने कहा है कि साईं की पूजा से उल्टा फल मिलेगा, सदगति नहीं मिलेगी। मैं फिर बताता हूं, साईं की पूजा से उल्टा फल मिलेगा, सदगति नहीं मिलेगी, क्योंकि साईं मामूली इंसान थे और अब इस दुनिया में नहीं है। शंकराचार्य की दलील है कि सनातन धर्म में अचेतन और अयोग्य की पूजा नहीं की जाती है। अचेतन और अयोग्य दोनों कहा हैं उन्होंने साईं को। और हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज हैं, हमारे साथ संजय साईनाथ जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुरेंद्र सक्सेना बंधु जो कि एक साईं भक्त हैं वो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जो कि कालका पीठाधीश्वर हैं वो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी जुड़ेंगे, हमारे साथ पंडित अजय गौतम धर्म सचेतक जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ से कि संजय साईनाथ आपका काम तो हो गया क्योंकि आपको सदगति नहीं मिलने वाली। भाई अब शंकराचार्य जी गारंटी दें कि वो मोक्ष देते हैं, वो तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इस जन्म में तो आदमी ठीक नहीं रहता, वो अगले जन्म की बात करते हैं। अरे पहले ये तो जन्म ठीक हो जाए हमारा, ये क्या गारंटी है, क्या सर्टिफिकेट देते हैं वो कि आप उस विधि से पूजा करेंगे तो आपको यहां मोक्ष मिलेगा, आप इस विधि से पूजा करेंगे तो आप हिंदू घर में पैदा होंगे, आप इस विधि से पूजा करेंगे तो आप मुस्लिम घर में पैदा होंगे। ये कौन सी बात है दीपक जी? ये देश देखिए, देश सुन रहा है, देश समझ रहा है और देश के लोगों को बुद्धिमता की पता चल रहा है कि किस तरीके की बातें की जा रही हैं समाज में। समाज पढ़ा लिखा, देखिए साईं बाबा के जो भक्त थे उसमें बहुत बड़ा वर्ग जो है पढ़े लिखे लोगों का है, नौजवान लोगों का है जो इन सारी चीजों को समझते हैं। आप बताइए कि कोई मोक्ष की गारंटी देगा और कोई ये बताएगा कि हम हाँ जी हमारे भगवान की ये पूजा करो तो आपको मोक्ष मिलेगा और फला आपको सदगति होगी और आपके सारे चीज ठीक होंगे। बाबा को मानने वाले, बाबा को पूजा करने वाले, बाबा में पूरी आस्था रखते हैं, उनके सारे दुख दर्द बाबा सुनते हैं। बाबा के 11 वचन में एक लाइन है, अनुभव करो सत्य पहचानो। बहुत तगड़ी लाइन है ये, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो वो अनुभव करते हैं और वो सत्य पहचान रहे हैं। देश देख रहा है इन सारे तमाशों को दीपक जी, कि ये सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा कि मोक्ष की सर्टिफिकेट दे दें हम इनको और ये सर्टिफिकेट दे दें कि अचेतन है अवचेतन है। हम अचेतन अवचेतन जानते हैं लेकिन हमारी आस्था और श्रद्धा साईं बाबा में है। हम साईं बाबा की पूजा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। महन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर, क्या संजय साईनाथ जो कह रहे हैं और जो स्वामी स्वरूपानंद जी कह रहे हैं कि अगर साईं जो है साईं की पूजा की जाए तो सदगति नहीं मिलेगी, क्या वाकई स्वामी स्वरूपानंद ऐसी कोई गारंटी दे सकते हैं कि अगर किसी और की पूजा की जाए तो सदगति मिलेगी? ऐसा सुनिए, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए स्पष्ट कहा है, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम नाम पराम गति, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्य अकार्य व्यवस्थितो गात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्तुम यह अर्हसि। अर्थात भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो शास्त्र के विरुद्ध
मनमाने तरीके से आचरण करता है, ना उसको सदगति मिलती है, ना उसको सुख मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण का वचन है। जब साईं में आस्था रखने वाले लोग उनके वचन में आस्था रखते हैं तो भगवान कृष्ण के वचनों में हम पूरा उनको मानते भी हैं, उनका अनुसरण भी करते हैं। नहीं, भगवान कृष्ण तो परंपरा मीडिया में, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरे विषय का परिचर्चा का विषय ही बदल गया है। विषय ये था कि साईं को भगवान माना जाए अथवा नहीं, उनको भगवान के रूप में पूजा जाए अथवा नहीं, जो इस उनके भक्तों ने जो उनके अंदर उनको भगवत्ता आरोपित की है वो मान्य है या नहीं सनातन धर्मियों के लिए, वो बात थी। लेकिन विषय हो गया साईं की पूजा करें या ना करें। उनके भक्त उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनके समाधि स्थल पर जाकर उनकी पूजा करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनको वो एक महान संत के रूप में उनका हम सम्मान करते हैं, उनको भगवान नहीं माना जा सकता, उनको भगवान का दर्जा नहीं। लेकिन अगर कोई भगवान मानता है तो क्या यहाँ तो पत्थर भी भगवान है इस देश में? मान लिया तो ऐसा 33 करोड़ देवी देवता इस देश के अंदर है। बता दूं आपको, पहले तो कोटि का अर्थ ही लोग गलत लगाते हैं। कोटि का अर्थ श्रेणी है, करोड़ नहीं है। हमारे शास्त्रों में सब चीजें वर्णित है और विधियों, तो उसमें कोई अप्रामाणिक बात नहीं है। बात यह साईं के भक्त उनको अपने गुरु के रूप में, संत के रूप में अगर वो पूछते हैं उसमें हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन उनको भगवान बना देना, उनको भगवान के रूप में प्रचारित करना और हमारे मंदिरों में उनको जो भगवान से ऊंचा करके स्थापित करना और हमारे देवी देवताओं का अपमान करना, मतलब उनको छोटा करके आंकना, उसके उस पर हमें आपत्ति है। उस पर आपको आपत्ति? इसका मतलब आप मूर्तियां तोड़ देंगे? मूर्तियां तोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं नहीं, ये तो कहा है शंकराचार्य ने, खुद ने कहा है, और आज साधु संतों ने हरिद्वार में कहा है कि नागा साधु जाकर उन मंदिरों सनातन धर्म तोड़ देंगे। दीपक जी सुनिए, गीता के वाक्य उद्धृत करूंगा, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो उन्होंने शंकराचार्य जी ने बात की वो शास्त्र सम्मत है। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है उसको सदगति नहीं मिलती है, गीता में लिखा है, प्रमाण है ये। दूसरी बात है, यान्ति देवव्रता देवान पितरानि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजः मत योगिनस्य माम। जो जिसकी पूजा करता है वो उसकी गति को प्राप्त होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवगति को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृगति को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत और अन्य की पूजा करने वाले उनकी गति को प्राप्त होते हैं। ये शास्त्र का वाक्य मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। चलिए, आप अपनी तरफ से नहीं कह रहे, मैं साईं को पूछता हूँ मैं किस गति को प्राप्त होंगे। अब साईं के रूप में जो उनको मानते हैं उनके उसमें जो पितराएं, तो देखिए एक बात, अगर वो नहीं, मैं सीधा जवाब चाहूंगा यहाँ पर, मैं साईं को पूछता हूँ मैं किस गति को प्राप्त होगा। साईं के रूप में साईं गति को प्राप्त होंगे। ये देखिए साईं गति क्या हो, ये बताइए ना, साईं गति क्या? आपने पूछा, बोला कि भूत को पूजेंगे तो भूत के रूप में प्राप्त होंगे, पिशाच को पूजेंगे तो पिशाच के रूप में, अगर भगवान को पूजेंगे, देवी को पूजेंगे देवी के रूप में, अगर मैं साईं को पूजूंगा तो मैं किस रूप में हूँ? एक बयान तो ये पूछिए, उनका उनका धर्म क्या था, वो आचरण क्या था, उनको दफन किया गया, और इस्लाम के अंदर और क्रिश्चियनिटी के अंदर जब तक डूम्सडे या कयामत का दिवस नहीं आता तब तक उनका जो फैसला नहीं होता कि वो किस तरफ जाएंगे, दोजख में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे, तब तक वो कब्र में ही रहेंगे, उनका वास कब्र में ही है। तो हमारे यहाँ तो ये शास्त्र में कहा गया, जो भूत प्रेत को पूजने वाले अंधे को पूजना है। समाधि सुनिए, समाधि कब्र और समाधि में फर्क है। कब्र लिटा के लगाई जाती है, और सुनिए, और समाधि हमारे संतों की बैठ के दी जाती है, बैठ के दी गई है। अगर दी गई है सुनिए, संत के रूप में संत की जैसे समाधि दी जाती है वैसे समाधि दी गई है। ये संत के रूप में हम माने हैं, संत के रूप में हम उनको माने नहीं कह रहे, ध्यान के मेरी बात को ध्यान दीजिए। संत के रूप में उनके भक्त उनको पूछते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। महंत जी, आप बहुत ही अच्छे महंत हैं, मैं जानता हूं, मैं प्रणाम करता हूं आपको, लेकिन साईं बाबा के बारे में पहले पूरी जानकारी, महंत जी आग्रह है मेरा टीवी पे डिबेट करने वालों को, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग बाबा के बारे में पहले पूरा जान जाइए, फिर आप डिबेट कीजिए। उनको एक संत की तरह समाधि दी गई थी, तो संत के में उसका हम सम्मान करते हैं, उसका अपमान करने की बात कब कर रहे हैं? नहीं, तो नहीं, अगर अगर सम्मान करते भगवान मानते तो उनमें गलत क्या है? प्रज्ञानंद जी, मैं यहाँ पर आपको जोड़ता हूँ, क्या सदगति नहीं मिलेगी अगर साईं को पूजेंगे तो? और जो जो सवाल महंत जी ने यहाँ पर उठाए हैं वो बड़े सवाल हैं, कि जो जो जिसको पूछता है उसकी गति वैसी ही होती है, और उनका कहना है कि समाधि नहीं, वहाँ पर शिरडी में एक एक समाधि ही है, इन्होंने स्वीकार किया है, इन्होंने स्वीकार किया है कि समाधि क्या है, तो पता नहीं, समाधि कब है, मैं बता रहा हूँ, समाधि है कि कब है। नहीं, चलिए चलिए डिस्कशन का पॉइंट उनको बना देते हैं, समाधि है कि कब है, समाधि है कि कब है वहाँ पर, कोई हमारी बात नहीं। समाधि की प्रज्ञानंद जी महाराज बताइए, सम्मान कर रहे हैं, उसमें अच्छी बात है। देखिए दीपक जी, मैं 80 देशों में गया हूँ, अमेरिका में एक बार क्रिश्चियन मुझे मिला तो हमसे कहने लगा कि आपको, आप क्राइस्ट को नहीं मानते, आप स्वर्ग आपको कैसे मिलेगा? तो मैंने उससे कहा, जब आप क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे तब लोगों को क्या होता था? भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट के पहले सनातन धर्म था,
और सनातन धर्म में हमारे यहाँ सबको मोक्ष का अधिकार है। हमारे यहाँ यवनों को भी, मतलब जो असुर भी है वो भी भगवान के हाथों से आशीर्वाद लेते हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। रावण को भी मोक्ष भगवान ने दे दिया और कंस को भी मोक्ष दे दिया, गलत काम जिंदगी भर करता रहा, और धुंधकारी जो जिंदगी भर गलत काम करता रहा भागवत कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और भगवान जो है हमारी श्रद्धा में जुड़ा हुआ है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणु या भ्याम बिना पसंद श्रद्धा स्वांता तुमीश्वरम। इसलिए श्रद्धा जो है किसी भक्तवे की मोहताज नहीं है और श्रद्धा से भगवान का सीधा नाता है। भक्त भगवान के बीच में कोई दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। भगवान को जो याद करेगा भगवान उसको अपना लेगा। भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना। खंबे से प्रहलाद का भगवान प्रकट हो गया, कोई भूत प्रतिष्ठा नहीं की गई थी, खंबे से प्रकट हो गया। हम में तुम में खड़क खम में, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कहां नहीं है भगवान, कलकल में भगवान है। भगवान के बगैर सृष्टि अधूरी है। इसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या है। और जो भगवान को मानता है किसी रूप में मानता है सारी नदियां समुद्र में मिल जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो भी किसी रूप में मेरी पूजा करे सब मेरे पास उसकी श्रद्धा भगवान को मानेगा भगवान हो जाएगा, जो भगवान को मानेगा भगवान हो जाएगा। और आप स्वयं कह रहे हैं कि भगवान की पूजा करने से मोक्ष मिला, यही तो हम कह रहे हैं, वही बात तो आप दोहरा रहे हैं, हमारी अलग क्या कह रहे हैं। भगवान की पूजा करने से मोक्ष मिलता है पंडित अजय गौतम जी, मुझे ये बताइए साईं मेरे लिए भगवान है, सुनिए क्या मुझे मोक्ष मिलेगा। दीपक जी तुम्हें बहुत शोक, हाँ मंडलेश्वर जी एक मिनट दूसरों को वक्त दीजिए। आप ब्रोन वीटा पी गए हैं, बहुत से लोगों के लिए साई मेरे लिए भगवान है, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं उनको पूछता हूं। बहुत से लोगों के लिए सचिन तेंदुलकर भगवान है, उसका मंदिर बना है, क्या उनको मोक्ष मिलेगा। बहुत से लोगों के लिए बहुत से लोगों के लिए एंटी राम जो एक्टर थे दक्षिण के, वो भगवान है, उनका मंदिर है, मोक्ष मिलेगा। रजनीकांत को पूछते हैं मोक्ष मिलेगा। खुशबू जो एक दक्षिण की एक्ट्रेस है उसका मंदिर बना हुआ है, कहीं तो एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, क्या उसको मोक्ष मिलेगा। सवाल ये है कि सनातन परंपरा के अंदर जो हमारे शास्त्रों के अंदर विदित है उसको, उसके अंदर जो कहा गया जो ब्रह्मा विष्णु महेश पूजेगा उसको मोक्ष मिलेगा। मैं एक मिनट आपको रोकूं जी, क्या आप खुशबू, रजनीकांत, एनटी रामाराव और सचिन तेंदुलकर जो खुद साईं भक्त हैं, जो खुद साईं के मंदिर में नमन करते हैं, जो खुद साईं, मैं एक मिनट आपको रोकूं जी, क्या आप खुशबू, रजनीकांत, एनटी रामाराव और सचिन तेंदुलकर जो खुद साईं भक्त हैं, जो खुद साईं के मंदिर में नमन करते हैं, जो खुद साईं से आशीर्वाद लेते हैं, जो खुद सत्य साईं बाबा के जब उनका देहावसान हुआ था वहां पर जाकर रोए थे, सत्य साईं के गए थे, उनके संबंध थे, उनके वो इसलिए गए थे, सत्य साईं क्या गए थे, उनको भी भगवान कहा जाता है, भूलिए मत उनको भी भगवान कहा जाता है। उनकी तुलना आप साईं बाबा से कर रहे हैं, उनकी तुलना क्या आप साईं बाबा से कर रहे हैं। क्या सचिन तेंदुलकर कभी गणेश के मंदिर नहीं जाते? क्या सचिन तेंदुलकर सनातन धर्म के मंदिर नहीं जाते? ये क्या उनका वहां पे हो गया कि अगर वो कोई आदमी 10 जगह जाता है, एक अगर वहां पर वो एक जगह चला गया तो इसका मतलब कि उसका वो पेटेंट हो गया, वो बाकी के मंदिरों में जहाँ बचपन से जा रहा है वहां के लिए कोई बोल नहीं है। बाकी के मंदिरों में जाते हैं तो फिर इनको मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा भाई? सदगति क्यों नहीं मिलेगी? दूसरी बात, इनको सदगति क्यों नहीं मिलेगी? साईं भक्त है इसलिए। सर आपने प्रश्न किया था कि जो वहां पर जाएगा एक महाराज जी कि जो साईं के मंदिर की पूजा करेगा उसको क्या मिले। अब मैं आपको उसी पे जवाब देता हूं, शास्त्र सम्मत जवाब है। साईं जो है एक संत थे, ठीक है, जैसा लोग मानते हैं साईं एक संत थे, वहां पर उनकी समाधि बन गई, ठीक है, और समाधि जिसे समाधि क्लेम करते हैं, कुछ लोग उसको कब्र क्लेम करते हैं क्योंकि उनके जो आप क्या क्लेम, आप क्या जानते हैं, आपकी जानकारी क्या है? नहीं, कब्र कोई क्लेम नहीं, गौतम जी आपकी जानकारी क्या है? आप कोई क्लेम नहीं, पहले जब साईं बाबा का अंतिम संस्कार जो हुआ वो हिंदू रिचुअल से हुआ या मुस्लिम रिचुअल से हुआ? हिंदू रिचुअल से हुआ। नहीं, मैं इस बात के प्रमाण दे सकता हूँ, आपको प्रमाण दे सकता हूँ। अच्छा दीजिए प्रमाण, हिंदू रिचुअल से हुआ, सबके सामने प्रमाण दीजिए। देखिए मैं आपको कहता हूँ सबके सामने प्रमाण दीजिए। सुनिए, जब बाबा के अंतिम सांस छोड़े तो वहां इस बात की बहस हुई 3 दिनों तक, और वो वहां के हिंदू कह रहे थे कि हम जलाएंगे, मुस्लिम कह रहे थे हम दफनाएंगे, लेकिन उनके जो शिष्य थे और तमाम जो जिन्होंने साई सचरित्र लिखा और तमाम जो आरतियां लिखी दासगणु
सारे लोगों की मीटिंग हुई, उन्होंने प्रमाण है, प्रमाण है, भगवान प्रमाण दीजिए। अरे भाई प्रमाण दीजिए, प्रमाण है। सक्सेना जी, सक्सेना जी से लेते हैं, सक्सेना जी, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ सर, एक मिनट, सक्सेना जी, सक्सेना जी जवाब, आपने बीच में प्रमाण, सक्सेना जी जवाब दे रहे हैं, प्रमाण दीजिए, आप क्या प्रमाण दे सकते हैं, लिखित दिखाइए कहीं का। नहीं नहीं, आपकी अदालत तो लगी नहीं है, आप बोले तो अदालत आपकी अदालत भी लगवा देंगे, आप चिंता मत करिए, इंडिया न्यूज की अदालत भी लगवा देंगे। सक्सेना जी एक मिनट, हाँ बोलिए सक्सेना जी, इस बात का क्या प्रमाण है कि अगर हम बाबा को मानेंगे तो हम मोक्ष नहीं जाएंगे? सबूत है आपके पास? शास्त्रीय प्रमाण सनातन परंपरा का है, ये है कि वहाँ पर जो साईं बाबा के रिचुअल के सर्टिफिकेट देने के लिए हम चले जाएंगे, मिनट दे दीजिएगा, हम बाबा के भक्त हैं, हमारे कीड़े बने मोक्ष में न जाए। क्या कह रहा हूँ, किसने रोका? जिंदा रहते हो, किसने रोका? आपको किसने रोका महाराज? आप जाइए ना, हमने रोका तो नहीं ना आपको, हमने बाबा के अजय वतन जी रोका तो नहीं महाराज आपको, अजय वतन जी कंप्लीट कर लेंगे। हाँ सक्सेना जी, समाधि तो नेहरू जी की है, जान आती देखिए, इंदिरा गांधी की भी है समाधि। संजय जी आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं मालूम, डॉक्टर जोशी नर्सिंग होम में आपके यहाँ पूजा की जाती है, शिरडी में बच्चे की डेथ हो गई थी टेबल पे, सिर्फ बाबा का नाम लेने से ओम सराय ओम साई राम बोले तो बच्चा जिंदा हो गया था। तो निगम बहुत जो उनको मांग किया उत्पादन करने के लिए बिठाया आपने, बाबा का नाम लिया, ये भागवत है, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की बात है। महाराज जी आप सहमत होंगे मेरी बात से, मैं चमत्कार की बात नहीं करता, लेकिन ये भागवत सत्ता है, अपनी आस्था है, हम बाबा में आस्था रखते हैं, हमारे हमारी श्रद्धा है, हमें किसी ने मैं किसी चमत्कार की बात नहीं करता, मैं किसी चमत्कार की बात नहीं करता। दीपक जी सुनिए, बात रीति रिवाज और रिचुअल्स की हो रही है, हमारे यहाँ जब संतों को समाधि जाते हैं उसकी बकायदा प्रक्रिया है, संत समाज इकट्ठा होता है और बकायदा उस विधिवत उसका समाधि दी जाती है। देखिए उस समय का वीडियो तो हमने कराया नहीं, नहीं है। मैं बता दूं आप, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरे शब्द ही प्रमाण है, आपके शब्द प्रमाण है तो हमारा तो भगवान तो हमारे शब्द भी तो हमारे आपके शब्द भी प्रमाण है, भगवान के प्रमाण है, लेकिन गीता के वाक्य प्रमाण है, शब्द भी प्रमाण है, नवल किशोर दास जी के शब्द भी प्रमाण है, लेकिन महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी कुछ बोलना चाहते हैं। प्रज्ञानंद जी आपके शब्द भी प्रमाण है, मुझे ये बताइए कि साईं बाबा का जो देहावसान का स्थान है उसको आप कब्र कहेंगे या उसको समाधि? कब्र शब्द का उपयोग मत करें, हाथ जोड़ता हूँ मैं आपको, हाथ जोड़ता हूँ गौतम जी, आप के साथ कह रहा हूँ साई भक्त आहत हो रहे हैं, आप कब्र न कहिए, देखिए ऐसी डिबेट होगी तो माफी कीजिए, माफ कीजिए, लेकिन कब्र न कहिए, समाधि कहिए आप, मैं सुनूंगा। जो समाधि थी वहाँ जो रिचुअल हुए वो मुस्लिम धर्म के अनुसार अपने शब्दों को मैं समाधि कह रहा हूँ, मैं भी समाधि कह रहा हूँ, आपकी भावना हुई है तो दीपक सर बात पूरी कर लो, मैं ये कहता हूँ कि वहाँ जो समाधि थी उसके अंदर जो रिचुअल हुए जब साईं बाबा के, जब 3 दिन निर्वाद चला तो वो मुस्लिम धर्म के अनुसार रिचुअल हुए, जिसके प्रमाण मैं आपको आने वाले दिन में दे दूंगा, मैं जिम्मेदारी आने वाले मैं अभी दे रहा हूँ आपको, दीजिए गौतम जी, दीजिए मैं बता रहा हूँ, ये साईं सच्चरित्र है ना आपके पास, इसमें दिखा दीजिए, देखिए इसमें दिखा दीजिए मुझे, इसमें ये बात तो जरूर लिखा हुआ है कि उनके जब समाधि लिए तो हिंदू के तौर तरीके जो सनातन परंपरा है उस परंपरा के हिसाब से हुए, मेरी बात पूरी होना चाहिए ना, मुस्लिम लोग आगे दे दो अमित, दे दो किताब, दे दो साईं सच्चरित्र, दे दो, सुन नहीं रहे हैं, साईं सच्चरित्र हिंदू रीति रिवाज से समाधि लिए और मुस्लिम भी आके अपने फातिहा को पढ़े मुस्लिम आके फातिहा को पढ़े, ठीक है ना, ये हम संजय जी ने बोल दिया, हिंदू वो दिखा दीजिए, संजय जी को ज्यादा पता है रिवाज से, आज भी वहाँ उनकी जो समाधि है हमारे यहाँ आज भी होता है, पता नहीं संजय की गलत है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बहस में, आगे बढ़ता हूँ रिचुअल का हुए बहस में, आगे बढ़ता हूँ, मूल परंपरा से छेड़खानी ठीक नहीं है, मूल परंपरा का निर्वाह यार, मूल परंपरा का निर्वाह नहीं हुआ, लोग मारे गए थे
कोई डूब के मर गया था बद्रीनाथ में, कोई कैसे मर गया था, कोई पहाड़ों से गिर के मर गया था, क्या उनको उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? आप लोग कैसी बात कर रहे हो? उन सबका संस्कार किया जा रहा है, उनके लिए कर्म किया जा रहा है, ये महंत जी का कहना है। महंत जी चलिए हम अगले पॉइंट पर आते हैं और अगला पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण है कि हरिद्वार के चित्रकूट अखंड आश्रम में साधु संतों की एक बैठक हुई और उसमें कहा गया कि अगर साई भक्त आप जैसे लोग स्वरूपानंद जी का विरोध बंद नहीं करेंगे तो जो सनातन धर्म के मंदिर हैं उससे साईं बाबा की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी, क्या आप शंकराचार्य का विरोध बंद करेंगे? पहले आप सुन लेते हैं कि हरिद्वार में कहा क्या गया है। एक मिनट सुन लेते हैं हरिद्वार में कहा क्या गया। साईं भक्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, साथ ही उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान जगह जगह जो कर रहे हैं, उनके पुतले फूंक रहे हैं, ये फूंकना बंद कर दें। नहीं नागा साधु सन्यासी और अखाड़े के सब संत महंत महामंडलेश्वर एकत्रित हो रहे हैं और जगह जगह साईं मूर्तियों को भी अगर नागा लोग तोड़ने लग जाएंगे तो देश में बहुत अराजकता फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी। इसलिए मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ भारत साधु समाज के या हरिद्वार शाखा के उपाध्यक्ष के नाते कि ऐसा कोई कदम न उठावें जिससे देश में अशांति का वातावरण बने, सौहार्द का वातावरण करें। शंकराचार्य जी के वक्तव्य का मैं समर्थन करता हूं। अगर साईं भक्त अपनी मर्यादा में नहीं आते हैं, हमारे शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं, उनके उनके चेहरे पर काली पोतते हैं, उनका पुतला जलाते हैं, उनके चेहरे को चप्पल से मारते हैं, तो ये हम नागा संत सन्यासी संत बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उसका जो भी निर्णय होगा सब अखाड़े बैठ करके निर्णय करके नागाओं को बुला करके उससे मुकाबला किया जाएगा। ये गलत तरीका है। आप एक मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रह करके विरोध करिए। आप इस तरह का उनको काली पोत रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, ये कहाँ की मर्यादा है भाई? ये साईं भक्त की मर्यादा ये होती है क्या? तो हम लोग आक्रोश इसलिए हुए हैं। अब अगर ये बंद नहीं करेंगे तो फिर नागाओं की फौज पूरी आएगी, फिर तो इनकी समस्या खड़ी हो जाएगी। जहां जहां साईं मूर्तियां हैं वहां विरोध करेंगे। तो आपने देखा, पहले थे प्रेमानंद जी महाराज जो कि भारत साधु समाज से जुड़े हुए हैं और दूसरे हैं नरेंद्र गिरी। मेरा सबसे पहला सवाल संजय सायनाथ आपसे, आखिर क्यों स्वरूपानंद जी का इस तरह से विरोध हो रहा है? शांतिपूर्ण विरोध हो सकता है, आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन उनके मुंह पर चप्पल मारना, उनको माला पहनाना जूते चप्पलों की, उनका पुतला दहन करना, साथ ही साथ गंगा घाट पर प्रदर्शन करना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है? ये साईं भक्तों के अच्छे आचरण की तस्दीक नहीं देता है? देखिए दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन करोड़ों साईं भक्तों से कहूंगा कि वाकई ये एक अच्छी बात नहीं है कि देश के साधु संतों का इस तरीके से अपमान किया जाए। वो बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं, उनकी बात को सुने। और हमारी बाबा में अगर श्रद्धा और भक्ति है तो उन्होंने कहा है कि श्रद्धा और सबरी। बाबा हो सकता है कि कोई अपना चमत्कार दिखा रहे हो, कुछ ऐसी बात हो जो हमें समझ में ना आ रही हो, लेकिन मैं साईं भक्तों से अपील करूंगा कि कृपया शांति बनाए रखें, संयम से काम लें। अपने साधु संतों का इस तरीके से विरोध नहीं होना चाहिए। और हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, वहां साधु समाज का बहुत कद्र है। मैं भी बहुत इज्जत करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं शंकराचार्य जी को और मैं उन करोड़ों भक्तों की तरफ से माफी मांगता हूं जिन्होंने ऐसा कुछ किया। सवाल यह है कि आप किसी की श्रद्धा और भक्ति पे पत्थर फेंकेंगे तो थोड़े लोग बौखलाते हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, नहीं देनी चाहिए। और मैं भी ऐसा कह रहा हूं कि संयम रखना चाहिए। आप लोग अगर सुन रहे हो तो संयम रखें और ये जो मसला है, ये मामला है, ये बैठ के इसको सुलझा लेंगे, निपटा लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि जिसकी आस्था है वो पूजा करे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पूजा के तौर तरीके पर जो आपत्ति हो सकती है, मैंने आपके चैनल पे भी आके पहले कहा था कि आप चले शिरडी देखें, अगर कोई दिक्कत लग रही है तो आप हमें बताएं। और हमने कोई मंत्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। जो फोटो मिल रहे हैं वो बाजार के हैं, उसको रुकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए और ऐसे फोटो नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। तीसरी बात कि साईं बाबा की मूर्ति जगह जगह जो बैठा दी गई है, मैं इस बात के लिए भी कहता हूं कि ये मूर्तियां जो हैं आप लोगों ने बिठा दिया है हर जगह साईं बाबा को, ना उनकी ठीक से आरती करते हैं, ना पूजा करते हैं। बिरला मंदिर दिल्ली में भी एक मूर्ति, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि अगर साईं बाबा
देखिए साईं बाबा का जो अधिकृत मंदिर है उसमें साईं बाबा की मूर्ति है, उसके पूजा करने के तौर तरीके हैं, तो मैं इस बात का भी विरोध करता हूं। और भगवान राम तो हमारे राम है, कृष्ण तो हमारे कृष्ण है, कृष्ण और राम की कोई तुलना ही नहीं है। तो जो साईं बाबा की फोटो बाजार में बेच रहे हैं कि पीछे साईं बाबा बांसुरी बजा रहे हैं ऐसा शेषनाग पे सोई, ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भावनाओं के साथ देखिए खेलने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण की जो भक्ति करते हैं वो साईं मंदिर में भी जाते हैं, साईं को जो पूजा करते हैं वो कृष्ण मंदिर में भी जाते हैं, इसलिए ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, सबको यहाँ बराबर का हक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में रहे, एक रहे, देश तरक्की करे, धर्म की बात हो, सब लोग धार्मिक रहे, यही तो हमारा मुल्क है। चलिए मानिए आपकी बात, आपने एक अच्छे नोट पर बात कही, लेकिन पंडित अजय गौतम जी आप सहमत होंगे संजय साईनाथ की कम से कम इस बात से? देखिए मैं संजय जी की इस बात का स्वागत करता हूं, अगर यही बात इन्होंने एक हफ्ता पहले कही होती तो ये विवाद आज इतना ना बड़ा होता जिस कदर ये बड़ा। मैंने चार दिन पहले आह्वान किया था अखाड़ों से, चार दिन पहले की बात है, मैंने कहा था हमारे धर्म सम्राट के मुंह पर, शंकराचार्य जो सर्वोच्च धर्म अधिकारी है उनके मुंह पर चप्पल मार, उनके फोटो में चप्पल मार रहे हैं, उनको चूड़ियों का हार पहना रहे हैं कि क्या जो हमारे जो धर्म सैनिक है, जो हमारे नागा साधु है, जो हमारे धर्म सम्राट की अवमानना, उनका ये अपमान सहेंगे? और उसका असर हुआ दीपक जी, अखाड़ों ने कल दशनामी अखाड़ों ने घोषणा कर दी, वो शंकराचार्य जी के साथ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी सक्सेना जी ने कहा मैं वो कि जो वो प्रसाद चढ़ाया जाता, मैं कहता हूँ कि जो साईं बाबा है उनका जो था, उनके जो समाधि है उनके ऊपर जो मुस्लिम रिचुअल से हुए, तो हमारे यहाँ ये है कि जब भी कोई समाधि होती है और उसका हिंदू धर्म से अगर संस्कार नहीं हुआ, हिंदू मान्यता है, मैं साईं मान्यता की और धर्मों की मान्यता की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ जो शव के ऊपर, प्रेत के ऊपर जो चढ़ाया जाता होता है वो पिंड होता है, प्रसाद नहीं होता। आज हो क्या रहा है कि आज जो साईं बाबा को सनातन परंपरा के अंदर मिला के जो किया जा रहा, वास्तव में जो प्रसाद बट रहा है वो प्रसाद नहीं है, वो पिंड है, वो श्राद्ध है, उसे खाया नहीं जाता, उसे हमेशा विसर्जित किया जाता है, कहीं गाड़ दिया जाता है या वो किया जाता है। मैं वही कह रहा हूं, अभी सक्सेना जी ने मुझे कहा साईं चरित्र में लिखा है, तो मैं उनसे जरा आग्रह करता हूं सबके सामने वो पेज नंबर मुझे बता दे ताकि मैं अभी अपनी जो है ज्ञान की वृद्धि करूं। 305 जी, तो क्या लिखा है 305 में दीपक जी? क्या लिखा? एक मिनट, तार आपका अटका हुआ, मैं आ रहा हूँ प्रज्ञानंद जी महाराज आपके पास। समाधि बनी है, उनकी आरती की गई है, बाबा ने खुद आके कहा है कि समझते मैं अमृत हो गया हूँ। नहीं, हिंदू रिचुअल कहाँ हुआ है वो बताइए। सर आरती किसकी होती है? सर हिंदू रिचुअल बताइए ना महाराज, आरती क्यों बता रहे हैं? तो हिंदू रिचुअल में ही होती है। आप ये मत करिए, नहीं ये मत करिए, आप मुझे बताइए कि उनका जो हमारे यहाँ दाह संस्कार की परंपरा जो हिंदू रिचुअल्स हैं वो कहाँ हुए, कहाँ बनाई गई है? आज भी समाधि उसको बोलते हैं महाराज। तो हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कहाँ लिखा है, एक शब्द बताइए जहाँ लिखा होगी हिंदू परंपरा मान्यता। देखिए कहाँ लिखा है, एक शब्द बताइए जहाँ लिखा होगी हिंदू परंपरा मान्यता। देखिए देखिए एक लाइन है, आप सुन लीजिए, एक लाइन है, सुनिए, आप सुनिए, बताइए। लाइन है कि बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध रह गए, मानो हिमांशु ने उन्हें अपने पास में आबद्ध करके जड़वत बना दिया हो। स्वपन की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कुछ भी चिंता न कर विधिवत पूजन और काकड़ आरती की। दोपहर बापू साहब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति मध्यान्ह आरती की। आप ये लाइन पढ़िए फिर से कि फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कुछ भी चिंता ना कर आरती तो विधिवत पूजन हमारे यहाँ प्रेत पूजन जी आप बताइए। दो दो धर्माचार्य बैठे, आप मेरे से वरिष्ठ है, मैं तो इनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा। आप बताइए कि क्या प्रेत जब किसी का शव होता है वह उसकी आरती होती है क्या? पॉइंट भी वैलिड है क्या? क्या क्या हमारे यहाँ पर किसी मृत व्यक्ति की आरती होती है क्या? देखिए समाधि में दो समाधि को समाधि नहीं बोल रहा हूँ, समाधि के उपरांत हुआ उनके जिंदा रहने का। जी संजय सैना जी, पॉइंट उनका वैलिड है, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए आप इसका जवाब दीजिए, आप खुद ही फंसे साइंस। देखिए बाबा समाधिस्थ हो गए, यही मैं लिखा हुआ है दीपक जी, लिखा हुआ कि बाबा ने जब समाधि ले ली उसके बाद। साइंस सच्चरित्र पढ़ा नहीं है? मैंने पढ़ा है पूरा अक्षर सा, मुझे याद है। नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि जब बाबा ने समाधि ले ली उसके बाद आरती शुरू हुई। रामायण पहली आरती आरती होती है, उन्होंने यही किया। पहली आरती होती है कि बाबा के अलौकिक मुख को देखकर, उसमें ये भी है बाबा के अलौकिक मुख को देखकर। नहीं नहीं अलौकिक मुख, जब अलौकिक मुख को देख, दीपक जी जब उन्होंने समाधि ले ली उसके बाद की बात है। ये बाबा जब स्वप्न में आए उनको और बोले कि आओ मेरी आरती करो, मेरी आरती नहीं हो रही है, और जब उनको समाधि दी गई स्वप्न में आए,
ये लिखा हुआ है ना, मैं वही तो पढ़ के बताया। ये लिखा हुआ बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा, शीघ्र उठो, बापू साहब समझता है मैं मृत हूँ, इसलिए वह तो आएगा नहीं, तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? नहीं, वो तो अब ये जीवित हो गए, ये पहले मृत थे, अब ये जीवित हो गए। उन्होंने स्वप्न दिया नहीं, मुझे ये तर्क समझ नहीं आया। लेकिन महंत नवल किशोर दास जी, जो सीरियस प्रश्न है जो इस कॉन्फ्रंटेशन को, इस विवाद को और आगे बढ़ाता है, वो ये है कि हरिद्वार में जो साधु संतों का समाज है, उसने ये कहा है, नागा साधुओं से ये अपील की है कि अगर स्वरूपानंद जी का विरोध इसी तरह जारी रहता है तो जो सनातन धर्म के मंदिर है उससे साईं की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए दीपक जी, मैंने जो अभी सुना है, एक तो उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि तोड़ी जाएंगी, सबको ये कहा है कि नहीं, कहा अभी जो आपने तीसरा सुन लिए, जितने धर्माचार हैं, जितने संतों का समग्र जीवन संस्कृति के उत्थान और संरक्षण संवर्धन के लिए है। नागा जब कोई व्यक्ति बनता है तो अपना पिंड दान करके बनता है, बिल्कुल धर्म ध्वजा के आगे पिंड दान कर, मेरा आज के बाद जीवन केवल धर्म संस्कृति के रक्षण और संरक्षण के लिए है, और शंकराचार्य उसके वरीय है। देखिए मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं, पहले भी आपके चैनल पर कर चुका हूं, कि वर्तमान में जो कुछ वातावरण खड़ी किया जा रहा है उससे निसंदेह धार्मिक जगत को, हिंदू समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने वाली है। हम किसको प्रतिपादित करना चाहते हैं? लेकिन ये विवाद तो खुद शंकराचार्य जी ने शुरू किया ना? नहीं नहीं, शंकराचार्य जी को प्रश्न पूछा गया, उन्हें प्रश्न पूछा क्या साईं बाबा जी की पूजा करना चाहिए, पर साईं बाबा की पूजा कितने दशकों से होती आ रही है, ऐसा जब प्रश्न पूछा साईं बाबा इस सवाल को, स्वामी स्वरूपानंद जी सवाल का कोई और जवाब दे सकते थे, उसको डाल सकते थे। वर्तमान काल में हमारे अध्यात्म जगत में नाना प्रकार के प्रहार हो रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा है, कलमल ग्रसे धर्म सब लुब्ध भय सद ग्रंथ, दम्मे निज पद प्रकट प्रकट किए वो पंत। दम्मी लोग, पाखंडी लोग कलिकाल में बहुत प्रकट कर देंगे अपने अपने पाखंड को। ये हमें ये कहना चाहता हूँ सभी साईं भक्तों से, को हमारे सनातनी है, हमारे अपने सुजन है, जैसे पूर्वत एक महापुरुष के रूप में उनका पूजन कर रहे थे, कहां किसी को आपत्ति थी? शंकराचार्य जी ने भी आज भी कहा है, संजय जी ने स्वीकार किया है कि भाई एक संत के रूप में, महापुरुष के रूप में पूजा करने में कहीं दिक्कत। रसखान हुए इसी कलकल में, रसखान ने भगवान कृष्ण की भक्ति की, खेलत खात पुरे अंगना पग पेंजन बाजत पीरी कछोटी, वाचिप को रसखान बिलोकत बारद काम कला नंद कोटी, कागे के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गए माखन रोटी। वो भी मुसलमान थे, हमने कहां विरोध किया? मेरा सबका निवेदन एक ही है कि हम सबको भगवान क्यों बनाना चाहते हैं? राम साईं, राम साईं श्याम साईं शिव, ये मत करो, महापुरुष महापुरुष रहने दो ना, उन्होंने एक अच्छा काम किया, मार्गदर्शन किया समाज को, सिर्फ पूजा करो बस, बात खत्म। जगह जगह मंदिरों में बिठा करके आरती करना, आप दिखाना क्या चाहते हो? लेकिन 130 साल से पूजा हो रही है उनकी, 130 साल से मूर्ति लगा किशोर दास 130 साल। दक्षिण में रावण की पूजा होती है तो उनको भगवान मान लेंगे विद्वान के रूप में, मूल परंपरा से भटका सामान्य लेखक के द्वारा लिखे हुए पुस्तक को यह प्रमाण के रूप में दे रहे हैं। गीता स्वयं लेखक के द्वारा करके आज पास हो गए हैं। अरे सुन लो भाई, पहले सुन, स्कूल कॉलेज पढ़ा सुन लीजिए, लेखक के द्वारा सुने बड़ा। लेकिन जो स्वयं भगवान कृष्ण के वचन हैं, जो उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि भूतानि यान्ति भूतेजा, भूत प्रेत को पूजने वाले भूत योनि को प्राप्त होंगे, और दूसरा क्या, जो शास्त्र की विधि को उत्सर्ज करके अपने मनमाने तरीके से आचरण करता है उनकी सदगति नहीं होती, ये गीता का वाक्य है, मेरा नहीं सत्य। आप हम अपने उनके भगवान कृष्ण के वचन में आज तक संजय जी मूल विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए लोग अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, मूल परंपरा का पालन करें, सनातन को क्षति न पहुंचे। बस इतना निवेदन है कि मूल परंपरा को क्षति पहुंचेगी तो ठीक नहीं है, सामूहिक अहित है। और बिल्कुल मैं आपको इजाजत दूंगा आप कविता को पढ़ने की कविता, लेकिन अभी दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद जी उनके गुरु हैं और उनके जो भी वचन होते हैं वो सत्य होते हैं, तो शुरू से शंकराचार्य के समर्थन में उतरे हैं दिग्विजय सिंह, ये उन्होंने कहा है। प्रज्ञानंद जी महाराज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, आपको जोड़ना चाहूंगा कि क्या ये बयान ठीक है कि नागा साधु जो है वो साईं की मूर्ति तोड़ देंगे? नहीं नहीं, ये शब्द कृपा मत कहिए, नहीं ये किसी संत ने नहीं कहा, आपने आप दिखाइए सुनाई दबा। मैं हरिद्वार में बकाया कि फिर नागा आएंगे तो क्या चल गया होगा,
साधु संतों ने धमकी दी है कि अगर साईं भक्तों ने शंकराचार्य का विरोध बंद नहीं किया कोने में सुना जाता है नहीं कहिए नहीं दिग्विजय सिंह के जब अभी प्रोडक्शन ने नहीं कहा से कहा कि अखाड़े के ऐसे ऐसे ऐसा होता है शंकराचार्य का विरोध रहेगा तो अखाड़े विवश होकर क्योंकि शंकराचार्य का मर्यादा रखना हमारा दायित्व बनता है ऐसा कुछ होगा तो ना रखिए जो परिणाम आप रखिए महाराज जी ऐसा नहीं लेकिन दिग्विजय सिंह का जो बयान नहीं दिग्विजय सिंह की कोई बात नहीं मानना चाहिए महाराज जी संजय जी मैं आपसे चाहता हूँ किसी राजनीतिक व्यक्ति की बात नहीं मानना चाहिए फिर तो कांग्रेस की बात हो जाएगी एक मिनट मैं जा रहा हूँ फिर आगे भाई आप देखिए मैं कह रहा हूँ केवल शंकराचार्य के रूप में मैंने मानी है कोई पार्टीबाजी होगी तो कुछ ठीक नहीं देखिए तो हो रहा है ना पार्टीबाजी नहीं एक मिनट उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे संत के रूप में एक समाज सुधारक के हम उनका सम्मान करते हैं के भक्त अगर उनकी पूजा करते हैं ये समझ में है संत के रूप में स्वीकार है संत के रूप में स्वीकार लेकिन भगवान भगवान कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में स्वीकार नहीं भगवान के रूप में हमें स्वीकार नहीं संत के रूप में स्वीकार है बाबा की अच्छी बात की है एक चीज समय दीपक जी मैं बड़ी स्पष्ट बात कहता हूँ बहुत बिस्मिल्लाह खान साहब को सब लोग जानते हैं एक मिनट बिस्मिल्लाह खान साहब को सब लोग जानते हैं उन्होंने बहुत समय पहले एक बात कही थी ये मत देखो कौन कह रहा है ये देखिए क्या कह रहा है अगर आप ये देखोगे कौन कह रहा है मेरा अपना कह रहा है दूसरा कह रहा है भाई कह रहा है बंधु कह रहा है राजनीति आदमी कह रहा है तो आप प्रभावित होंगे आप ये देखिए वो क्या कह रहा है और जो शंकराचार्य जी ने कहा धर्म सम्राट ने कहा उन्होंने वो कहा है वो हमें कोई मतलब नहीं क्या उनका अस्तित्व क्यों वो क्या क्या किससे जुड़े हुए कहां आते हैं कहां जाते हैं सबको एक ही पार्टी है धर्म सम्राट है बीजेपी के लोग भी पैर छूने जाते हैं कांग्रेस के भी जाते हैं विदेशी के भी जाते हैं पार्टी से जोड़ने का क्या मतलब है किसी का हमने कहा उमा भारती ने सब कहा कि मैं साईं बाबा की पूजा करती हूँ हमने कुछ कहा ये क्या किसी कोई भी आदमी अरे अब ये सनातनी है कि आपने अपनी बात रखी मैं नवल किशोरदास जी एक बार हम सुन लेते हैं फिर से प्रेमानंद जी महाराज को प्रेमानंद जी महाराज हरिद्वार से उन्होंने क्या कहा ये सुन लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज को साईं भक्तों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं साथ ही उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान जगह जगह जो कर रहे हैं उनके पुतले फूंक रहे हैं ये फूंकना बंद कर दें नहीं नागा साधु सन्यासी और अखाड़े के सब संत महंत महामंडलेश्वर एकत्रित हो रहे हैं और जगह जगह साईं मूर्तियों को भी अगर नागा लोग तोड़ने लग जाएंगे तो देश में बहुत अराजकता फैल जाएगी अशांति फैल जाएगी बताइए महंत नवल किशोरदास जी आपके एक मिनट आप क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे पूरी बात सुन लीजिए पूरी बात नहीं आप क्या कहेंगे आपने कहा मैं अराजकता फैला रहा हूँ एक मिनट आपका आरोप था मैं अराजकता फैला रहा हूँ आप क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे आपने प्रेमानंद जी को सुन लिया सुनाया था पहले जब बोले थे नहीं आपने ध्यान से नहीं सुना था बात वही थी आपने ध्यान मैं रिकॉर्डिंग नहीं बदल सकता 10 मिनट मूर्ति तोड़ने के पक्ष में मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं हूँ आप व्यक्तिगत रूप से नहीं अजय गौतम जी आप मूर्ति तोड़ने के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से होगा मेरी बात सुनिए पहले अगर तोड़ने के पक्ष में सुन लिया जाए पूरा अगर वो साईं भक्त अपमान करना नहीं बंद करेंगे तो प्रतिक्रिया शुरू ठीक हमारे यहाँ जो नागा साधु हैं वो धर्म सैनिक हैं वो धर्म सैनिक है जिन्होंने आनंद मंड में अंग्रेजों से लोहा लिया वो है जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए अगर हमारे धर्म सम्राट के ऊपर होगी तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी वो चाहे किसी भी रूप में हो उसकी जिम्मेदारी कौन किसने धर्म सम्राट के मुंह पर ताली पोंछी किसने उनके पुतले फूंके हमने विरोध किया आपके पास हिंदू से लड़ेगा अजय गौतम जी आप वही हिंदू से लड़ेगा आप बताइए स्पष्ट बताइए आप वही हिंदू से लड़ेगा क्या मैं ये बात कह रहा हूँ हम भी चाहते हम भी साईं बाबा के पुतले फूंक सकते थे हमने नहीं फूंके क्यों नहीं फूंके लोगों की श्रद्धा है मानना चाहिए हमारी श्रद्धा नहीं है सनातनियों की श्रद्धा नहीं है जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं जो धर्म सम्राट को मानते हैं एक धर्माधिकारी के पद को मानते हैं उनकी कोई श्रद्धा नहीं है जो हजारों साल से सैकड़ों साल से चला रहा पद है उनकी कोई श्रद्धा नहीं है आज 100 साल में नहीं सवाल ये नहीं है सवाल ये नहीं है आदि शंकराचार्य ने दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए नागा साधुओं की स्थापना की थी ना जी क्या साईं बाबा एक दुष्ट शक्ति है मैं कह रहा हूँ मैं शब्द ही सब कुछ है मैं नवल किशोरदास जी
पहले आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, पहले आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन आपने मैंने नहीं सुना, मैंने सुना तो मैंने मना किया। बचाने के लिए ये शब्द लिखा हुआ है, देखिए शब्द मैंने कहाँ से पिक किया है, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्रों से दिए गए हैं, धर्म को बचाने के लिए आएंगे। जो प्रेमानंद जी ने कहा है, जो धर्म को टूटने नहीं देना चाहते, उनके साथ खड़ा हूँ। बाबा को महापुरुष के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, एक मिनट, साधु समाज ने कहा है मैं उनके साथ खड़ा हूँ। नहीं नहीं, तो दुष्ट शक्तियां हैं बाबा साईं बाबा, मैंने साईं बाबा को लेकर नहीं कहूंगा, मैंने ये नहीं कहूंगा दुष्ट शक्तियां, बाबा को उसने महापुरुष ही कहा है, संत कहा है। नहीं नहीं, तो फिर ये लड़ाई किसके खिलाफ है, ये लड़ाई किसके खिलाफ है, ये लड़ाई बनाने के, ये लड़ाई किसके खिलाफ है, ये बताइए, ये लड़ाई किसके खिलाफ है। मुझे ये बताइए, अगर किसी की धार्मिक भावना आहत होती है, मैं पूरे विनम्रता से कह रहा हूँ, सभी साईं भक्तों से कहता हूँ, मैं सभी सनातनियों से कहता हूँ, मैं अगर किसी की भावना आहत होती है, आपको संविधान ने इजाजत दी है, प्रोविजन दिए है, आप कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए कि देखिए साहब इस आदमी ने गलत किया है, सर सुन लीजिए संजय जी, आप कोर्ट में जाइए, प्रोविजन है आपके पास, आर्टिकल्स में है, आर्टिकल 21 आपको लिबर्टी देता है, रिट पिटीशन में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की, आपको आईपीसी का सेक्शन 295 इजाजत देता है कि आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत हुए तो आप उसके अंदर चले जाइए, आपके पास दोनों प्रोविजन थे, लेकिन आपने न्यायालय के अंदर अपनी बात को नहीं रखा, आपने जो जो इस जो संविधान कहता है कि एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य है उसको नहीं रखा, आपने क्या रखा, आपने बवाल मचाया, आपने क्या किया, पहले दिन ही शंकराचार्य किसी सन्यासी का कब दाह संस्कार होता है, आज तक कभी हुआ इस इतिहास में किसी सन्यासी के पुतले फूके गए, आपने पुतले फूके, आपने उनके आप दिखा रहे विजुअल के अंदर, आप लेके चप्पल जो है सर्वोच्च धर्माधिकारी के मुंह पर मार रहे हैं, आप चूड़ियां बना रहे हैं, आप उनके बताइए किस तरीके से आपने अपमान नहीं किया, क्या हिंदू सिर्फ इसलिए है कि वो हर चीज सुनेगा, या आप आज इतनी बात नहीं, जो कर रहे थे वो भी हिंदू है, जो कर रहे थे वो भी हिंदू है, जो कर रहे थे वो भी हिंदू है, बड़े भेद है, दीपक जी आज पूरी दुनिया मान रहे ना, आप मान रहे ना, तो ये डिवाइड किसने शुरू किया, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप दोनों से जानना चाहता हूँ, एक शंकराचार्य ने शुरू किया कि नहीं शुरू किया, इस खाई को बांटना है कि बढ़ाना है, किसने शुरू किया, प्रयास करना चाहिए, दोनों से करना चाहिए, बताओ दूध जी साईनाथ जी का संत के रूप में हमारा कोई विरोध नहीं है, उनके भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं उसमें भी हमारा कोई विरोध नहीं है, हमें तो केवल ये कि जो उनके अंदर भगवत्ता आरोपित की जा रही है, उनको भगवान के समकक्ष बनाया जाए, केवल उसका विरोध है, और वो भी स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि बाबा मेरे भगवान है, साईं बाबा मेरे भगवान है, मैं भगवान मानता हूँ, आप मना किसने किया, आप मानिए, इसी ने मना नहीं किया कि आप मानो, आपके भगवान है, आप मानो, भगवान मानो, परम पिता मानो, ब्रह्मांड मानो, सूर्य दो प्रश्न उठे आज, पहली बात तो ये कि मूर्तियों का तोड़ने का हम दीपक जी वो करते हैं ना, एक बात, दूसरी बात वो करते हैं, मैं अपने साधु समाज के साथ खड़ा हूँ, मैं स्वामी प्रेमानंद जी के साथ खड़ा हूँ, मैं कोई इसके अंदर कोई तोड़ने का समर्थन कोई नाम नहीं देखते, मैं धवल किशोर दास बिल्कुल नहीं, आप करते हैं, दूसरी बात, बात ये हमें इस खाई को समाप्त करना चाहते हैं, इस विवाद को समाज में बढ़ाना चाहते हैं, मतलब साधु समाज भी बटा हुआ है, बटा नहीं है, बटा हुआ है, हम धर्म बटा हुआ है, मैं हाथ जो देखिए दीपक जी हल्के शब्दों का प्रयोग न किया जाए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ साधु समाज से भी और साईं भक्तों से भी, जब भी क्षति होगी, मतलब साधु समाज भी बटा हुआ है, बटा नहीं है, बटा हुआ है, हम धर्म बटा हुआ है, मैं हाथ जो देखिए दीपक जी हल्के शब्दों का प्रयोग न किया जाए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ साधु समाज से भी और साईं भक्तों से भी, जब भी क्षति होगी हमारी होगी, चाहे कोई इस गाल में मारे चाहे इस गाल में लगेगी, हमको ही ये दो जो साईं सीढ़ी में जाते हो भी हमारे भाई सनातनी है, और जो गंगा ही जाते हो भी हमारे सनातनी है, कृपया बांटने का प्रयास न किया जाए, वो भी एक महापुरुष के नाम पर, संत के नाम पर, हमें हो क्या गया, एक तरफ लोग दुनिया में शस्त्र लेके लड़ रहे हैं और हम शास्त्र लेके लड़ रहे हैं, क्या दुनिया हंस रही है हमारे पे, पहले से ही हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े जातिवाद में क्षेत्रवाद में बांट दिया गया, अब पंथवाद में महापुरुषों के नाम पर बट रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपने आने वाले संदेश पंडित जी, ये बांटना किसने शुरू किया, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, आपने बांटने के मूल में कौन है, बांटने के मूल में कौन है, पंडित धवल किशोर दास जी, महंत धवल किशोर दास जी, बांटने के मूल में कौन है, दिग्विजय सिंह का बयान आ गया है, दिग्विजय सिंह का बयान आया है, पक्ष में हूँ, मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा था कि कांग्रेस को चेक करो, आप चलिए मैं इस पर राजनीति को नहीं लाना चाहता, माफ कीजिएगा महामंडलेश्वर जी, वक्त मेरे पास इतना ही है, सक्सेना जी आपकी अपील बताइए जल्दी से, एक 10 सेकंड में, आज मैंने मैच भी किया था, मैं सभी साईं भक्तों से अपील करता हूँ, हिंसा पे ना उतरें, श्रद्धा रखें, सबरी रखें, और बाबा ने कहा जहाँ अहंकार है वहीं विवाद है,
इसलिए अहंकार से दूर रहें और जाप चलता रहे, मन के अंदर सुमिरन करते रहे, यही आपसे अपील मैं करता हूँ। दूसरा दीपक जी, सनातन धर्म के जहाँ तक कहा जाए, ग्रहण आते हैं, अग्रोह सर्वभूतेषु मनसा कर्मणाग्रह अनुग्रह दान श्री सनातन धर्म सनातन है। सनातन धर्म तो किसी के प्रति द्वेष करने की बात करता है, सनातन धर्म द्वेष की बात करता ही नहीं। और वैसे भी हम कहें ये शस्त्र नहीं, शास्त्र की लड़ाई है। और जितना ज्यादा हम समुद्र मंथन करेंगे उतना हमें अमृत भी मिलेगा और विष भी मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि इस युग में विष कौन पिएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।